हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या था उसमें पार्ट? पीपीसी वाला ना। ओके, एक छोटा सा पार्ट है गाइस, वहीं से पहले स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस सेशन को। वेलकम वेलकम वेलकम, बोलना भूल गया, आओ स्टार्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमने एक पीपीसी वाला कर पढ़ा था, तो वहां पे एक पार्ट आता थोड़ा सा, ठीक है, उसी पार्ट से लेके डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हम उसके बाद में अपने यूनिट नंबर वन में जो पार्ट था उसमें दो टॉपिक और आएंगे। विल टेल यू कौन कौन से पार्ट है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ एडिशनल पार्ट थे, छोटे से पार्ट हैं, वो कवर कर लेते हैं, ताकि हमारा पूरा बेस यहाँ समझ में हमें आ जाए। केजरीवाल क्यों लेके आए थे हम, पता ही नहीं हमें, है ना, ये क्यों आया था केजरीवाल? अच्छा, पॉलिसीज के रिगार्डिंग, है ना, सस्ते वाला, फ्री वाला, मुफ्त वाला। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सुनो ध्यान से बात को, हमने एक पार्ट पढ़ा, यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पास में एक पीपीसी कर किया, रिमेंबर, लाइक द शेप, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की हम लोगों ने, क्या रीजन है पीपीसी के शेप के पीछे। पूरा पार्ट याद है वाला, रिकॉल करें हल्का सा, एक्स वाई और रीजन, क्या लिखते हैं एक्सिस पे? कॉमोडिटीज के नाम, बट ये नाम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कंजम्पशन या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, वेरी गुड, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। क्या मैं इनके नाम को बदल सकता हूं? हाँ, कौन सी गुड्स लिखी जाएंगी यहां पे, थिंक अबाउट वंस। अगर मैंने एक्स एंड वाई के प्लेस पे कोई और आइटम लिखना चाहा, तो कौन सा लिखा जाएगा? एक पे गेन और एक पे रिमेंबर। लेकिन दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता हूं मैं, कॉमोडिटीज के नाम कौन से हो सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं कि वो कॉमोडिटी जो गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हो सकती है? कॉमन चीज है ना। अब यही बोलोगे ना, एग्जांपल, जो पर्टिकुलर स्पेस है, जो पर्टिकुलर लैंड रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हो, और जो टेक्निक्स की बात कर रहे हो, उन टेक्निक्स की हेल्प से जिन गुड्स का प्रोडक्शन आपस में इंटरचेंज हो सकता है, उनके नाम लिखे जाएंगे। तो आई कैन यूज अवर टी एंड कॉफी, व्हीट एंड राइस, ये हो सकता है, रिमेंबर। ओके, तो हमने पीपीसी कर्व पढ़ा था बेटा, और पीपीसी कर्व की हमने डायग्राम भी बनाया था। इन शॉर्ट, अगर ये हमारा पीपीसी कर्व था, इसकी बाकी बातें हम अपने स्टार्टिंग में कर चुके थे कि पीपीसी कर्व क्या शेप होती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, इट मे बी कॉन्वेक्स ऑल्सो, इट मे बी कॉनकेव ऑल्सो, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन कर्व ऑल्सो, तीनों हो सकता है, रिमेंबर। तो मुद्दा ये आया कि इतनी सी बात नहीं है, बात ये बताओ सर, क्या इसमें चेंज हो सकते हैं? आंसर इज यस। एग्जांपल के लिए, अगर मेरा पीपीसी कर्व ये होता, तो ए पीपीसी कर्व शोज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज, हमने पढ़ा भी था, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन? प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन भी कौन सा भाई, कितना मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोडक्शन आप कर सकते हो, रिमेंबर। अब क्वेश्चन है, जब हम पीपीसी बनाते हैं, एग्जाम्पल, इफ दिस इज ए पीपीसी कर्व, तो इंडिकेट क्या होता है? मान लो पीपीसी का नाम देते हैं हम, इसका नाम है मान लो एग्जाम्पल ए और बी, ए बी इज ए पीपीसी कर्व। तो अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि ए, ये जो पीपीसी कर्व था बेटा, तो हमने कुछ बेसिक बात सीखी थी कि पीपीसी कर्व दो कमोडिटीज के, एटलीस्ट टू कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, कि उनकी कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस आप कर सकते हो, एक को सेक्रीफाइस, सेकंड को गेन करके, जिसे हम बोलते हैं एमआरटी, याद आ गया। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वहां एक लाइन लिखी थी उन्होंने कर्व के अंदर, कि विद द गिवन रिसोर्सेस एंड गिवन टेक्नोलॉजी, आपके पास में जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, वेदर लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, और जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, तो अवेलेबल वर्ड का मीनिंग इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट मींस गिवन वर्ड का मतलब क्या होता है, अवेलेबल बोलते हैं इसको, जो आपके पास में प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है। अगर मैं बोलूं यहां मैं कितने बच्चे बिठा पाऊंगा, तो भाई कैपेसिटी है ना इस चीज की जगह पे, कितना ही भैया यहां पे 10,000 लोग बैठ जाएंगे, जितसो नहीं बैठ सकते ना, रिसोर्सेज की कैपेसिटी कितनी है, व्हाट इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। तो क्वेश्चन आया कि बेटा अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दो वर्ड है, तो अगर मैं कहता हूं कि विद द गिवन रिसोर्स पीपीसी कर्व ये बन रहा है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर बनता है, क्वेश्चन नंबर वन, कि अगर रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया जाए, तो रिसोर्स इंक्रीज होगा, तो पीपीसी वही बनेगा क्या? नहीं, क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब रिसोर्स ज्यादा, तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कनेक्ट करते हैं, अगर गिवन रिसोर्स आपके पास में एक पीपीसी का रीजन बनते हैं, तो अगर मैंने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया, तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। जब प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को दिखाने वाला कर्व कौन सा है? ये वाला पीपीसी कर्व। तो इसका मतलब फिर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, हाँ है ना,
बीपीसी का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ने का मतलब कॉम्बिनेशन भी बढ़ेंगे और शिफ्टिंग कहां पे होगी? राइट वर्ड क्या बोलते हैं इसको? राइट वर्ड राइट में हुआ ना देखो, इसके करके राइट में कौन सा राइट ये वाला हुआ, तो लेफ्ट क्या होता है? कम होने को बोलते हैं। इन शॉर्ट एक बात समझ में आई कि सर अगर किसी भी टूल्स की वजह से, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, किसी रिसोर्स की वजह से अगर मेरा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाती हैं, तो क्या बोलूंगा उसको बेटा मैं? तो वहां क्या होगा? कर का शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। राइट का मतलब क्या है? अंडरस्टूड है? अगर कॉम्बिनेशन एक प्लेस पर ये थे पहले, अब कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे बेटा? बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन भी इंक्रीज हो जाएंगे अपने पास में। क्लियर हो गया? दूसरा एक क्वेश्चन तो ये बन गया, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू लिखो, क्वेश्चन को लिखता हूं, क्वेश्चन लिखो, लिखो। इफ ड्यू टू इंक्रीज इन द रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी क्या होती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी क्या होंगी बेटा? इंक्रीज होंगी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीज होंगी, तो लिखाओ व्हाट विल बी द शेप, या व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पीपीसी कर, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? आंसर क्या इसका? इट विल शिफ्ट टू राइट। ये कहां शिफ्ट होगा? राइट में शिफ्ट होगा। और वाइस वर्सा क्या बनेगा? अगर गिवन रिसोर्स भी कम हो गए तो टेल मी लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगी। रिसोर्स का इंक्रीज होना, रिसोर्स का डिक्रीज होना विल बिकम द रीजन बिहाइंड द शिफ्टिंग, राइट वर्ड शिफ्टिंग और विद बिगिन से लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। क्लियर बेटा? दो क्वेश्चन बने यहां से, इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट। सेम वर्ड अप्लाई करो कहां पे? टेक्नोलॉजी में। कहां अप्लाई करेंगे? टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अब दो बातें आएंगी, अगर मैं इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, अवेलेबल थी वो तो छोड़ो, अब इंप्रूव्ड लेके आ गए, नाउ प्लीज टेल मी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होगी? राइट वर्ड। और थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है? थिंक अबाउट, अभी एक पर्सन, एक टीचर है, मैंने बताया ना टीचर इज ऑल्सो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेस। अब सोच के देखो बेटा, फिजिकली मान लो मैं कुछ 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूं अभी, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन मोड में आया तो कैपेसिटी बड़ी नहीं बड़ी? बढ़ गई ना। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूवमेंट पे लेके आए, आपके प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज। तो पीपीसी कर भी क्या फर्क पड़ेगा? इट विल शिफ्ट राइट वर्ड। हाँ है ना बेटा? और अगर मैं बोलू नहीं भैया, हम तो पुराने वाले ट्रेंड पे जाएंगे, पुराने वाले व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड होगा और चौक से पढ़ाएंगे, क्या बोलोगे? आउटडेटेड। नॉर्मली कोई आउटडेटेड यूज करता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बनता भी नहीं है, बट सोच लेते हैं अगर हुआ तो क्या। नॉर्मली क्या पूछेगा? इंप्रूव टेक्नोलॉजी होंगी तो क्या होगा, या टेक्नोलॉजी को अच्छा यूज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? पीपीसी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बोलू आउटडेटेड, आंसर क्या बनेगा बेटा? पीपीसी विल शिफ्ट टू लेफ्ट वर्ड। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये तो किसकी हो गए? ये क्या क्वेश्चन है? ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सिस, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंपैक्ट तुम्हारे सामने। समझ में आया? क्लियर है? ओके okay? अब दूसरा, जब नॉर्मली आप पीपीसी कर बनाते हो वहां पे अजम्पशन नहीं होती है क्या? गिवन रिसोर्स मतलब देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सिस। रिमेंबर दैट दो फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स हैं वो? कि भैया जिससे पीपीसी का बेस बन रहा है, पीपीसी आपका एक सिंगल कर बना रहे थे, बट शिफ्टिंग का रीजन क्या बनते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज ऑन दोज रिसोर्सिस एज वेल एज इन द टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? याद रहेगा बेटा? कोई डाउट इसके अंदर बोलो। समझ में आ गया? ये टॉपिक था, आगे बढ़ सकता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है वो समझते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है, जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? लेट स्टार्ट विद द पार्ट। चैप्टर नंबर वन के पार्ट में बहुत छोटू छोटू से कुछ पार्ट दिए हैं, उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले मैं तुम्हें किसी का चेहरा दिखा देता हूं, है ना? थोड़ी मुंह दिखाई हो जाए बेटा। हाँ सर, मुंह दिखाई जरूरी है, मुंह दिखाएंगे। मुंह दिखाई में हम नाम निकाल रहे हैं रॉबिन्स का, सर निकाल रहा हूं रॉबिन्स।
विल स्टार्ट विद द पार्ट. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में. हालांकि इसके बारे में मैंने चेन दी थी, हालांकि इसके बारे में अब मैंने अपने एक पास अपने पास अपने हमने एक चेन ली थी, उसी पार्ट को समझना यहां से चालू करते हैं. गिव मी वन मिनट, लेट्स फाइंड आउट हु वाज रॉबिन्स. ये था बेटा पर्सन, दिख रहे ये पर्सन है. इन्होंने ही कहा था कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है. और फिर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बोला नहीं नहीं नॉर्मेटिव है, बट बच्चा कहता हमें मीनिंग ही नहीं पता. मीनिंग इसलिए नहीं पता क्योंकि डायरेक्टली आप लोगों ने मीनिंग याद करना चालू कर दिया, पढ़ना चालू किया. नॉर्मेटिव पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना होता. चाहे स्लो पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, विद रीजन पढ़ो. क्या बोला गया था, लेट्स हैव ए सेकंड पार्ट. मैं एक पर्सन नाम लिखता हूँ, सैमुएलसन, निकोलसन, पीगो, हिक्सन, एलन, काफी लोग थे, बट आई विल टेक अ बेसिक पिक्चर ऑफ दैट. विकिपीडिया खुल गया है तो. सैमुएलसन देखो, ये पॉल सैमुएलसन दिख रहे हैं, और निकाल लेता हूं. जे आर हिक्स, एलन, पीगो, ये सारे लोग, कुछ की फोटो निकाल रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि हम किस किस की बातें करें, कि लोगों ने क्या बोला, कनेक्शन बिल्डअप करते हैं. ठीक है, ये थे बेटा हमारे पास में जे आर हिक्स. लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, समझते हैं पार्ट को. ये पिक्चर है और इन पिक्चर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं. सर एक तरफ मैं बात कर रहा हूं रॉबिन्स के बारे में, और सेकंड और मैं बात कर रहा हूं आपके दो और लोगों के बारे में जिन्होंने भी थ्योरीज दी, कुछ कहा अपने बारे में, कुछ समझाया इन लोगों ने, बट क्या बताया और क्या नहीं बताया वो बात कर लेते हैं. सुनो बेटा, टॉपिक का नाम क्या है, हेडिंग लिखते हैं पहले, समझते हैं इस पार्ट को. रट्टा मार रहा मैंने भाई साहब, रट्टा जा मारा, इकोनॉमिक्स बिगड़ गया. इकोनॉमिक्स पूरा रीजन बेस्ड है, रीजन नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं. तो वर्ड क्या है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव. बुक में लिखा हुआ नाम है वो है इकोनॉमिक्स. बुक में क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स, लाइक हियर इट इज. ये रहा आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट, दिख रहा है एनसीईआरटी. तो ये तो अपना हम पढ़ चुके, इकोनॉमी पढ़ चुके ना इकोनॉमी के बारे में. तो देखो क्या वर्ड लिखा हुआ बुक में एनसीईआरटी के अंदर, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. द वर्ड इज नॉट, अब सुनो ध्यान से, सर क्या इकोनॉमिक्स है ये? इकोनॉमिक्स बुक का नाम है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ चुके हैं, दैट सब्जेक्ट मैटर वे वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. सब्जेक्ट मैटर इज को इकोनॉमिक्स. तो सर फिर नॉर्मेटिव और इसके इकोनॉमिक्स वर्ड क्यों लिखा हुआ, क्यों क्यों के पीछे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, आपकी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बेस पर टिका हुआ इकोनॉमिक्स. व्हाइल वी राइटिंग द वर्ड द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट सिंपली मीन्स दैट द इकोनॉमिक्स विच इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या पॉजिटिव साइंस, एंड इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव साइंस. That is called normative economics and positive economics. Repeating again, that economics which is based on positive science is called positive economics, and that economics is based on normative science, that is called normative economics. तो ये तो सिंपल फंडा हो गया लाइन समझने का, बट हमें तो यही नहीं पता नॉर्मेटिव साइंस क्या और पॉजिटिव साइंस कौन सी होती है, वो जान लेंगे तो हमारा मीनिंग ही पूरा हो गया. तो कैन आई राइट दिस वर्ड बेटा, टेल मी प्लीज, अगर मैं इसे लिखना चाहूं और आपकी पहले एनसीईआरटी की लैंग्वेज को उठा के लिखता हूं, फिर उसको समझते कि क्या कहना चाहता है, क्या लिख सकते हैं उसके अंदर एग्जाम में हम. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट. हियर इट इज वर्ड व्हिच इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. ठीक है, हालांकि भी इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं और बात छेड़ने वाला हूं इसके बाद में, जब हम पढ़ेंगे अपने पास में कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज है, माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं. तो टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो कैन आई से कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक्स. अभी लिखवाया नहीं, लिखवाऊंगा पूरा पार्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मीनिंग तब क्लियर होगा जब आपको नॉर्मेटिव साइंस का मीनिंग क्लियर होगा. तो पहले बात लिख लेते हैं, इज दैट इकोनॉमिक्स
विच इज, अब इनकी बात भी करनी बाकी है मुझे, है ना भैया बैठे, ये वाले भैया और ये वाले भैया बात करेंगे, इज बेस्ड ऑन किस पे? नॉर्मेटिव साइंस. जो नॉर्मेटिव साइंस पे डिपेंडेंट है दैट इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अपोजिट टू ये, इसका मीनिंग क्या बनेगा बेटा? पॉजिटिव कौन सा होता है? दैट इकोनॉमिक्स विच इज बेस्ड ऑन, विच इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर? ऑन पॉजिटिव साइंस. सो ये क्या होता है? स्कूल में आज तक बचपन में जब तुम छोटे बच्चे थे तुम साइंस पढ़ा करते थे, रिमेंबर, बिफोर कॉमर्स. इसलिए तो कहता हूं कॉमर्स के बच्चे को साइंस भी आती है, बट साइंस के बच्चे को कॉमर्स कभी नहीं आती. फंडा क्लियर है ना? 11th 12th में बच्चे ने कॉमर्स लिया, उसको तो आती है 9th 10th की साइंस, उसे पता है फिजिक्स क्या, उसे पता है केमिस्ट्री क्या, उसे पता है बायोलॉजी क्या है. बट क्या साइंस का बच्चा ये बोल पाएगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इकोनॉमिक के मीनिंग बताओ? नेवर एवर. एडवांस कौन हुआ? सिंपल फंडा, कॉमर्स वाले बच्चे. लोग कंपैरिजन करते हैं, साइंस पहले आती है स्कूल में, क्या बोलते हैं ना, साइंस टीम टॉप नंबर वन पे आती है, फिर कॉमर्स आती है और फिर आर्ट आती है. लोग ऐसे डिवाइड करते हैं. किस बेस पर ये बात बोली गई? तो किस बेस पर बोली गई? ये फालतू बात नहीं है. हाँ, एकदम फालतू बात है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर उसे बोला जाए कि भाई बात बताओ, एक साइंस का बच्चे ने 10th तक साइंस पढ़ी, 11th में भी साइंस, 12th में भी साइंस, आगे भी साइंस ही पढ़ेगा वो. हालांकि आजकल ट्रेंड बड़ा अलग हो रहा है, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ मार्केट में. साइंस के बच्चे करेंगे, साइंस कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, बीटेक कर लेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा हम सीए कर लेते हैं. अरे भाई, सीए ही करनी थी, एमबीए ही करना था, तो पहले कॉमर्स लेके आता. बट वो नहीं, मेहनत करते हैं, मैं देखता हूँ, आते हैं बच्चे और बनते भी हैं. बट बेस अगर क्लैरिटी पहले से ले लोगे तो आइडिया आगे तक क्लियर रहेगा ना, विजन क्लियर रखो ना पहले से. अब मुझे बताओ, एक कॉमर्स के बच्चे को पता है भैया फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, बायोलॉजी क्या, लेकिन साइंस के बच्चे को नहीं पता. एडवांस कौन हुआ? कॉमर्स वाले. ठीक है, आओ अब बात करते हैं. चले नंबर वन, तो क्या बोला? इकोनॉमिक्स की बात कर ले, नॉर्मेटिव. अभी मैंने माइक्रो मैक्रो की बात नहीं किया. माइक्रो मैक्रो इज बेस्ड ऑन द मींस एरियाज की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की बात करें, एंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं. इसलिए वो दैट हैव इकोनॉमिक्स डिवाइडिंग टू पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो ब्रांच. बट अभी इसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट वन इज, हम इसकी बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द पार्ट. क्या अगर मैं ये समझ जाऊं कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है, तो क्या मुझे ये क्लैरिटी मिल सकती है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? आंसर इज यस. तो बताता हूं, सुनो ध्यान से. इस पॉजिटिव साइंस के बारे में हल्ला करने वाला, हंगामा करने वाला पर्सन थे रॉबिन्स. कौन थे? लिनन रॉबिन्स. इनका नाम है रॉबिन्स, एल रॉबिन्स बोलते हैं इनको, लिनन रॉबिन्स. अब सुनना कहानी. हालांकि एक स्टोरी मैंने बहुत पहले भी सुनाई थी, आई विल रिपीट दैट स्टोरी. और ये स्टोरी हर उस बच्चे के लिए सुनना जरूरी है जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करता है, क्योंकि ये स्टोरी का इस कंप्लीट स्टोरी का इंफॉर्मेशन ना होना ही उसे उसके कंसेप्ट को वीक कर देता है. एक मिनट, तो बात करते हैं बेटा एक स्टोरी. स्टोरी क्या है? बेसिक में समझते हैं, बेसिक फंड है, याद है, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअलसन, निकोलसन. ये नाम बताए थे मैंने कुछ, ये नाम क्या है? प्रैक्टिकली किया क्या गया समझना. जिनके नाम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में होने चाहिए थे कहां डाल दिए? 12th में डाल दिए. बेस कहां स्टार्ट हो रहा है? 11th से. पढ़ा कर रहे उनके नाम 12th में. व्हाई? व्हाई क्यों? एनसीईआरटी बताओ, तुमसे जवाब है क्यों, ऐसा क्यों है ना? अब समझते हैं बात को. ये चीजें कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है. बताओ पहला नाम आता है, इनके नाम बीच में आएंगे, अभी आएंगे दोबारा, ठीक है, चेक करना कहां पे आएंगे. स्टोरी के अंदर एक नाम था, लेट्स टॉक अबाउट दैट. एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूं बीच में मैं. हमने एक वर्ड पढ़ा कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो नाम आता है एडम स्मिथ. एडम स्मिथ को फादर क्यों बोला गया? बिकॉज ही गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1776. फर्स्ट टाइम एन इकोनॉमिस्ट डिफाइंड इकोनॉमिक्स. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द फर्स्ट डेफिनेशन की यार इस चीज को ऐसा बोलते हैं. तो उसको क्या बोला गया? उन्हें बोला गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. क्यों? फर्स्ट डेफिनेशन दिया, ओके मान लिया. डेफिनेशन रिलेटिंग टू वेल्थ, उन्हें बुक में मेंशन किया. देखो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या है, अपनी रिसर्च करते हैं, थ्योरीज लिखते हैं, बुक बनाते हैं, लॉन्च कर देते हैं. दैट बुक विल प्रोवाइड ए थ्योरी एंड दैट इज कॉल्ड वेल्थ. जो कंसेप्ट क्या कहलाता है, उनकी थ्योरी कहलाती है. तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स वेल्थ है, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन भी आता हु प्रोवाइडेड द वेल्थ डेफिनेशन.
दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन वन मार्क. हु प्रोवाइडेड वेल्थ डेफिनेशन? आंसर इज एडम स्मिथ. 1776 में उन्होंने पहली बार डिफाइन किया था, इसलिए इन्हें एक नाम और दिया गया, अ नेम इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. बट रिसेंटली आईएएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया. यस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं. कुछ टाइम पहले यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, एंड दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स. मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया, तो क्या दोनों का मतलब सेम है? इकोनॉमिक्स मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स? नो. वहां ऑप्शन में एडम स्मिथ था, वहां ऑप्शन में एक नाम और था, नाम था आपके पास में किनी, जेएम किनीज. तो पढ़ा होगा तभी पता होगा ना किसने दिया था कंसेप्ट, क्यों कहा गया उनको फादर वहां पे. तो मैक्रो में पढ़ाऊंगा वो पार्ट, तो या नहीं पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में पढ़ाऊंगा. बट आंसर जेएम किनीज था. लेकिन ये चीजें याद रहने से कंसेप्ट क्लियर था क्या बोलना चाह रहा है. अब आता हूं दूसरी बात के ऊपर. तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया क्योंकि उन्होंने पहली बार डेफिनेशन दिया और नाम दिया वेल्थ डेफिनेशन. और इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक कंसेप्ट चलता हुआ है, ये दुनिया बड़ी रंगी है ना भाई साहब. ये दुनिया कहती है भाई साहब कि जब भी किसी को क्रिटिसाइज करो ना तो चाटा तो मारो, लेकिन चाटा ऐसे मारो कि तू तो मेरा भाई है. हस्की चाटा मारोगे लगता नहीं है अरे मजाक किया इसने, है ना, होता ना ऐसा. यही कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में है. इसीलिए जब भी कोई इकोनॉमिस्ट आया है उन्होंने पहले वाले को क्रिटिसाइज तो किया, बट डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया. ये नहीं बोला कि तुम गलत हो. They used to say कि you are right, but my point is this. होता ना तरीका, नहीं 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 आपकी गलती नहीं है, गलती ऐसी नहीं, आप सही हो, बट मेरी बात ऐसी है. तो क्या हुआ, एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज करने के लिए बाद में कौन आए? एल्फ्रेड मार्शल. उन्होंने क्रिटिसाइज किया एडम स्मिथ की थ्योरी को और बोला कि माना कि इकोनॉमिक्स वेल्थ से कनेक्टेड है. जो गलत नहीं बोला उनको, माना इकोनॉमिक्स वेल्थ है, बट वेल्थ के साथ में क्या है, इट कनेक्टेड विथ ह्यूमन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग, सोशल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग. इसका मतलब उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी, एंड दैट इज कॉल्ड द वेलफेयर डेफिनेशन. क्या बोलते हैं उसको? वेलफेयर डेफिनेशन बोलते हैं. कल्याण को बोलते हैं, भला करने को बोलते हैं. इसीलिए जो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर है, डिमांड चैप्टर है, दिस बिलोंग्स टू एल्फ्रेड मार्शल. वह नाम किसका आता है? एल्फ्रेड मार्शल का नाम आता है डिमांड सप्लाई चैप्टर में, कंज्यूमर बिहेवियर में. इंडिविजुअल है ना कंज्यूमर, इंसान ही तो है बेचारा, डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर पर्सन ही तो है. तो इन कंसेप्ट के बारे में किसने कंसेप्ट दिया? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया. वेलफेयर की बात कर रहा है वो, कि कंज्यूमर सेटिस्फाई कब होगा, प्रोड्यूसर सेटिस्फाई कब होगा, इसलिए वहां पे नाम आता है किसका? एल्फ्रेड मार्शल का. और समझ लो यही तो कहानी है भाई. दिस बिकम्स द बेस ऑफ योर कंसेप्ट इन योर चैप्टर. कि नाम आया तो क्यों आया, क्योंकि थ्योरी थी वेलफेयर के रिगार्डिंग. अब बोले इसने बोल दिया, तब जाके हमारे महानुभाव आए. इसके बाद इनको काटने कौन आए? रॉबिन्स. कौन आए? एल रॉबिन्स, ल्यूनन रॉबिन्स आए. रॉबिन्स ने बोला भाई वेल्थ वेलफेयर ठीक है, बट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस. क्या बोला? इज पॉजिटिव साइंस. रॉबिन्स ने क्लैरिटी से बोला इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्या कारण रहा और क्या इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक्स इसमें बेस करती है. और याद करो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज द फंडामेंटल बेस ऑफ योर केमिस्ट्री फिजिक्स, दैट मीन द प्रॉपर एंड द रियल साइंस. क्या कारण क्या इफेक्ट, मैंने इसमें दो ड्रॉप केमिकल की डाली ब्लास्ट होगा, पता होगा भाई. मैंने अगर पावर सॉकेट में उंगली लगाया ऑन करके तो करंट लगेगा, जस जस करूंगा मैं. रिमेंबर कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण क्या इफेक्ट. बटन प्रेस करूंगा लाइट बंद होगी, तो होगी तो होगी ना. ये गिराऊंगा तो जाएगी ऊपर, जाएगी हवा में. बड़ा ना मोशन के बारे में बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की. तो देर हैविंग फिक्स अप्रोचेस कि क्या कारण क्या इफेक्ट. मतलब जहां कॉज एंड इफेक्ट है, इसका मतलब वहां पर क्या है कि दो थ्योरीज विल ओनली प्रोवाइड ए स्टेटमेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम या व्हाट विल हैपन, दैट्स इट. बट क्या पॉजिटिव साइंस आपकी इकोनॉमी की, कंट्री की पार्ट का जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम एंड इश्यूज को सोल्व करने के सॉल्यूशन देती है क्या? No, नहीं देती. तो रॉबिन्स ने एक साइड क्या बोला कि सर इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस. पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता, क्या निकल गया उनका पॉजिटिव का मीनिंग क्या था, लिखते हैं, लिखो बेटा. दो बातें, पहली बात, साइंस कौन सी साइंस,
साइंस विच इज बेस्ड ऑन, साइंस विच इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. तो क्या बोला सर, साइंस विच इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो बताओ जो कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड होगा भाई, कि क्या कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दैट इज प्रोवाइड ए प्रॉब्लम और सॉल्यूशन. भाई प्रैक्टिकली क्या बताएगा वो, कि भाई प्रॉब्लम क्या हुई, आपने ऐसा किया तो ऐसा हुआ आपके साथ में, ये प्रॉब्लम हुई ना. रिमेंबर, बट एक एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, COVID-19, मैं बार बार बोलता हूं हमेशा COVID-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ. दिस वॉज ए स्टेटमेंट. क्या कारण था लॉकडाउन होने का, कोविड. क्या हुआ, लॉकडाउन. कॉज क्या था, समझो ध्यान से, कॉज क्या था, कोरोना COVID-19. इफेक्ट क्या रहा, लॉकडाउन हो गया. तो दिस इज द प्रॉब्लम, कॉज एंड इफेक्ट इसको बोलते हैं. समझे क्या बोल रहा हूं, मैंने वैक्सीन लगाई, क्यों लगाई भाई, ना हो आपको बचने के लिए, तो वैक्सीन लगाने के लिए बोला कि रिमेंबर इम्यूनिटी बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा. पॉइंट पे आता हूं, कॉज क्या इफेक्ट क्या, जो इसको बताया उसे बोलते हैं पॉजिटिव साइंस. क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइंस. एंड प्रैक्टिकल पॉजिटिव कौन सी होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह आर कॉल्ड पॉजिटिव साइंस, नंबर वन. तो क्या बोलती है ये पॉजिटिव साइंस, ओनली स्टेट्स. क्या बोलते हैं, ओनली स्टेट्स. क्या बताती है बेटा, स्टेटमेंट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, ये बताना का काम किसका है, पॉजिटिव साइंस का. बट ये तो होगी कहानी कि कोविड हुआ तो लॉकडाउन लग गया. रिमेंबर, मैंने सेफ्टी नहीं ली तो मुझे कोरोना हो गया, मैंने ये नहीं किया तो मुझे ये हो गया, होता ना, मैंने आइसक्रीम खाई मुझे फीवर हो गया, क्या है प्रॉब्लम है नहीं. तो कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था. आज मेरे को ना बड़ा हेडेक हो रहा, क्या किया था, सुबह से फोन देख रही थी. कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था. समझ में आया क्या बोल रहा हूं. तो जहां कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइंस, बिकॉज दैट ओनली डिफाइंस व्हाट इज द प्रॉब्लम विद नॉट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस, बट नॉट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस. तो क्या इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम बताना ही काफी होता है क्या, क्योंकि पर्सनल बात नहीं है भाई, इकोनॉमी की बात कर रहे हो. देश में गरीबी है, काफी है, बस छोड़ दे गरीब है ना, ऐसा. आज ये पर्सन बीमार है, बीमारी रहे, ऐसा नहीं ना. तो हम क्या ढूंढते हैं, सॉल्यूशन क्या है. तो जब आपके रॉबिन्स ने अपनी स्टेटमेंट दी, अपनी थ्योरीज दी, उन्हीं की स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए आए कुछ नए लोग, कुछ नए इकोनॉमिस्ट. उनमें से एक थे सैमुएलसन निकोलसन, सैमुएलसन और निकोलसन, सैमुएलसन निकोलसन, जे आर हिक्स, एलन और पीगो. बहुत सारे नाम लिखवाए हुए थे मैंने, सैमुएलसन निकोलसन जे आर हिक्स पीगो एलन. ये लोग क्या थे, जिन्होंने कलेक्टिव फॉर्म में एक चीज पे एग्री हुए पहली बार. आज तक क्या होता था कि तेरी बात गलत, तेरी बात, लगे हुए थे आपस में, क्रिटिक्स करने में लगे हुए थे. बट उस दिन क्या बोले, नहीं यार ये बात तो सही है, एक्चुअली एग्री करो इस बात के ऊपर. कौन सी बात, कि प्रॉब्लम ही काफी नहीं है, सॉल्यूशन क्या होगा जो इस पे डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव साइंस नहीं हो सकती. उसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बेटा नॉर्मेटिव साइंस. क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव साइंस. तो ये जान लो, वो सब बच्चे जो सीए करते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं, जो ट्वेल्थ में जा रहे हैं, जो इलेवंथ कर रहे हैं, दिस वर्ड इज कॉमन. ऐसा नहीं इलेवंथ में पढ़ने को मिल रहा है पार्ट, जो इलेवंथ में पढ़ रहे हो ना, नॉर्मेटिव पॉजिटिव, यही सेम वर्ड ट्वेल्थ में है, यही सेम वर्ड आपके ग्रेजुएशन के अंदर, यही सेम वर्ड मास्टर्स में है, यही सीए में आएंगे, या सीएस में भी आएंगे, सेम वर्ड, सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूं इस टाइम पे मैं. अब बच्चों को बस याद है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, बस क्यों क्यों जानो ध्यान से. तो क्या किया, इन्हें क्रिटिसाइज किया गया, और क्या बोला, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, लिखते हैं, कौन साइंस, ए साइंस विच डील्स विथ, साइंस विच डील्स विथ What should be, what should be, क्या होना चाहिए, क्या है तो नहीं, क्या है वो देख लो, उसने बोल दिया क्या प्रॉब्लम है, what is मतलब क्या प्रॉब्लम है,
वट शुड बी और आई कैन यूज दी वर्ड जो लिखा गया है वट ऑट टू बी इन एनसीईआरटी ऑल्सो वट ऑट टू बी क्या होना चाहिए जो क्या होना चाहिए पे फोकस करे बेटा दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलते हैं उसको नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं क्लियर है आइडिया मिला मीनिंग का लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन इट एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें और सिस्टमेटिक वे में हमें कॉन्सेप्ट माइंड में बैठे अपने पास में लिख लिया नोट किया लोगों ने नोट हो गया सबने चलो आगे बढ़ते हैं तो लेट्स हैव ए न्यू पार्ट हियर अब जो हमने ये लिखा है इसमें मैं कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्वेश्चन अप्लाई करके देख लेते कि अप्लाई होता है नहीं होता ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट मैंने बोला आई एम गिविंग यू द स्टेटमेंट्स आंसर मी हैंड टू प्रैक्टिस करो और दिस स्टेटमेंट कैन बिकम योर आंसर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन योर व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स ठीक है नंबर वन इज लिखता हूं बिकॉज ड्यू टू कोविड 19 दैट इज कोरोना देयर वॉज a huge shortage of oxygen for patients in the hospital ek statement to ye wali number 2 for the shortage of or the shortage of oxygen in India government should import the oxygen plant or equipments from फ्रांस या कोई भी कंट्री का नाम लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए ये करना चाहिए इन दो बात का रिप्लाई कर दो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है टेल मी विच स्टेटमेंट बिलोंग्स टू पॉजिटिव विच स्टेटमेंट बिलोंग्स टू नॉर्मेटिव फर्स्ट वन इज वेरी वेरी गुड फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नॉर्मेटिव कैसे पहचाना क्या पूरी स्टेटमेंट बड़ी तब आइडिया मिला ऐसा या आपने यहां पे वर्ड देखे दिखाता हूं लेट मी शो यू क्या हुआ था या क्या है इज पॉजिटिव क्या होना चाहिए शुड बी नॉर्मेटिव तो जब भी कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन की बात करेगा क्या बोलेंगे उसको प्रॉब्लम बताए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन बताए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो आई कैन यूज सच वर्ड दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू आई कैन यूज द वर्ड पॉजिटिव साइंस बोल सकता हूं या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकता हूं दूसरा नॉर्मेटिव साइंस बोल सकता हूं या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकता हूं कैन आई टेक वन मोर एग्जांपल इन इट यू आंसर दिस इज चैप्टर इन योर इंडियन को पढ़ोगे बाद में टॉक एक क्वेश्चन पूछता हूं रैंडम इंडिया में पॉवर्टी गरीबी कितनी एग्जांपल ठीक है लेट्स टेक एन एग्जांपल मैं एक पिक्चर निकालता हूं ताकि तुम्हें आइडिया मिले गिव मी द आंसर रैंडम उठाओ भाई साहब तैयारी उसको बोलते हैं रिमेंबर लेट्स मैंने कहा एग्जांपल पॉवर्टी रेट इन इंडिया अराउंड 22% के करीब ही होगा हाँ उतना ही अब ज्यादा हो गया 22.5% करीब आ चुका लेट मी शो यू ज्यादा ही हो गया शो मी शो करूं दिख रहा है इंडिया में पॉवर्टी रेट पहले 22 था कितना हो गया फिर लोग बोलेंगे अरे नहीं कम हो गया कहां से कम हो गया भाई द डिफरेंट स्टेट्स आर शोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रेट्स है ना कितने लोग गरीब हैं और पॉवर्टी दो पार्ट की होती है वन इज रिलेटिव सेकेंड इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एब्सोल्यूट मीन्स अगर कोई पर्सन अपनी सर्वाइविंग लिटरेसी पूरी नहीं कर पा रहा फूड क्लॉथ शेल्टर उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर
खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, पहने को कपड़े नहीं प्रॉपर, एब्सोल्यूट पुअर। और अनदर इज रिलेटिव पॉवर्टी, बट इज रिलेटिव बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। आपकी मंथली इनकम अगर इतनी नहीं है, इफ योर पर कैपिटल इनकम इज लेस देन दिस अमाउंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। तो मैंने अगर बोलता है क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं, बनाए लिखो द पॉवर्टी, कैसे लिखता हूं, फोर द पॉवर्टी ऑफ 25.01% इन इंडिया गवर्नमेंट शुड ऑप्ट, मतलब ऑप्शन में चॉइस करें, ऑप्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अगेन, पॉवर्टी एलिवेशन में खत्म करने के लिए एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर थ्री बिलोंग्स टू पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, आंसर नॉर्मेटिव, एग्री, झूठ तो नहीं कह रहे, सच बोल रहे हो, सच बोल रहे, एग्जैक्टली करेक्ट है। एंड ये है आपका तरीका टू फाइंड आउट व्हाट इज नॉर्मेटिव एंड टू फाइंड आउट व्हाट इज पॉजिटिव, इज इट क्लियर। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता देयर इज 25.01% ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, देयर इज है, कितनी है तो ठीक है, ओके क्लियर, ये खत्म हो गया बेटा। कोई डाउट है पूछ सकते हो, यू कैन आस्क ऑन दिस। फिर आएंगे माइक्रो मैक्रो वाले पार्ट पे, इसके बाद कौन सा कराएंगे, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस, जिसके बच्चे रट्टा मारते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं हाथ रख के, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल स्टडी द इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, अरे क्या इंडिविजुअल, सीख लो ना उसको, समझ में याद रहेगा अपने आप, मैक्रो स्टडीज दी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंटायर 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 होल 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 इकोनॉमी, ऐसे नहीं करने का, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सीख के पढ़ो इसको, सीख ले तो याद रहेगा ना, याद रहेगा नहीं रहेगा ये वाला पार्ट, रट्टा मारो इसके ऊपर दोबारा से, नहीं समझ में आ गया, चले आगे बढ़े। तो आज नेक्स्ट क्लास वाली पार्ट पे हमारे पास हम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट, लिखते हैं बेटा, हेडिंग बनाओ द लास्ट पार्ट, उसके बाद आपका ये एनसीईआरटी का चैप्टर वन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज देखो, ये रहा माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया, और आपसे आपके टीचर भी स्कूल में क्वेश्चन देंगे, ये ध्यान रखना, मैं इस पर टिक कर रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं इसके ऊपर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड योर टीचर विल डेफिनेटली आस्क ए क्वेश्चन ऑन दिस एंड द सेम क्वेश्चन, विल प्रोवाइड ए क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिस्टिंक्ट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, या वो आपको मीनिंग पूछ लेगा या इनकी एक स्टेटमेंट दे देगा आपको, नॉर्मेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, तो एग्जाम्पल आपने लिखे आप डाल सकते हो, या वो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, चेक करो ना क्या एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन तुम्हारे हुए नहीं हुए, चेक करना अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन अभी कराने वाला हूं, बाकी क्वेश्चन चेक करना एनसीईआरटी दिखाऊं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, पूरा लिख सकते हो, लिखवा के दिखाया, लिखना भी आ गया तुम लोग, वेरी गुड। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रंटियर क्या होता है पता है, व्हाट इज फ्रंटियर वर्ड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो बच्चों का नाम दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, बोले अच्छा याद रहेगा, मतलब क्या होता है पढ़ा कभी नहीं निकाला, फ्रंटियर मीन्स बाउंड्रीज को बोलते हैं बेटा, फ्रंटियर्स वर्ड बना किससे, बाउंड्री बॉर्डर बोलते हैं, इंडिया के बॉर्डर्स हैं, ऐसे देख पीपीसी कर भी बॉर्डरी तो है, अंदर ये बाहर जाओगे तो हमारा नहीं हो, है ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, तो फ्रंटियर मीन्स बाउंड्रीज, और कर्व वही वाला कर्व हमारे पास में, आगे ले आगे वर्ड भी फ्रंटियर, दिख गया, बताओगे पीपीसी क्या होता है, आगे सब्जेक्ट मैटर क्या इकोनॉमिक्स का, इसका मतलब क्या पता है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड वी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, वी टॉकिंग अबाउट इट मींस माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, कितने पार्ट में डिवाइड है, मतलब आपकी इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हो आप, माइक्रो सब्जेक्ट मैक्रो वाला पार्ट। नेक्स्ट, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी किसको बोलते हैं, वेरी गुड सोशलिस्टिक, दूसरा यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएट करना है, कर पाओगे, पॉजिटिव क्या है नॉर्मेटिव क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला एनसीईआरटी, सारा क्वेश्चन हो गया हैंड टू हैंड एक बार में, कोई डाउट है इसके अंदर,
बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए बोल दिया इसने, ठीक है। तो हम इकोनॉमी के पॉइंट से आंसर देंगे उसको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब क्या है, याद कर, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या आपके पास है, क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, इकोनॉमी की बात कर रहे ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कर नहीं बोला उसने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। अगर यहां पे कर वर्ड लिख देता क्या बन जाता, ये मैंने इसके लिए लिखा। इकोनॉमी में क्या वर्ड थे, तीन वर्ड थे भाई। मेरी पॉसिबिलिटीज क्या है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आई कैन प्रोड्यूस, याद कर, व्हाट टू प्रोड्यूस इज द आंसर। अवेलेबल रिसोर्सेज, क्या बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, यस ऑर नो, क्लियर है। फर्स्ट लिख क्या होगा इसके अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस, डन रहेगा। लास्ट कर ले, चले आ जाओ, क्लियर है, ओके चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वर्ड क्लियर है सारे बेटा, देखो अल्फाबेट, कंजम्पशन, स्कैसिटी, मार्केट, मिक्स इकोनॉमी, माइक्रो भी पढ़ेंगे अपने पास में, ये पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन किसको बोलते, लिखवाया था स्टार्टिंग में मैंने आपको, कुछ वर्ड दिखाऊं जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, माइक्रो मैक्रो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ये वाला वर्ड क्या बोलेगा, तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या बोलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, ओके डन है। आगे बढ़ू तो लिखवा दू, चैप्टर खत्म हो जाएगा वाला हमारा, चले आओ लिख लेते हैं बेटा। तो एनसीईआरटी में इतना सा पार्ट दिया इसका, लेट्स टॉक अबाउट दिस, चले तो तुम्हें दिखाता हूं। देखो बेटा, देखो देखो सब देखो, क्या था, नॉर्मेटिव पॉजिटिव दिया था नाम, देख लो दो वर्ड है, अब वर्ड पढ़ लेना इनका कनेक्शन किसके हाथ में है, सेम वर्ड याद में मिलेगा, कौन सा लाइन बना के लिखी हुई है, मेन आंसर लास्ट में मिलेगा इसका। देख अब डिस्टिंक्शन की बात कहां पे आएगी, सुन ध्यान से, प्रॉब्लम्स के कनेक्टेड पार्ट में कहीं आंसर दिया ही नहीं, इसमें बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश एनसीईआरटी वालों, बहुत बढ़िया, चले लाइन लिखा ही नहीं, डिफाइन नहीं कर पाया, आगे लिखे, चलो बताओ। फिर कहते हैं बच्चों को, बोलते हैं एनसीईआरटी से पढ़ लो पूरी बुक का पार्ट, अपोज नहीं कर रहा मैं एनसीईआरटी को, लेकिन बता रहा हूं चले लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज, लिखो बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड, और जो लिखवा रहा हूं डिट्टो ये लिख के देना अपने स्कूल्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बोले तो रीजन दे देना, रीजन उसको अपने बात पे टिके रहो, भैया मेरा आंसर ठीक है, क्यों ठीक है, ये रीजन वजह है मेरे पास में, आप बताओ आपने काटा क्यों, मेरा वजह ये, आपका वजह बता दो मुझे, तो बस समझे, आ जाओ। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर था, तो लेट्स टॉक अबाउट, बात कर लेते हैं अपने पास में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में।